टू थ्री एंड फोर BHK लार्ज साइज कार्पेट एरिया साथवड़े लोकेशन में रोड टच ही प्रॉपर्टी होगी विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज वेरी लिमिटेड कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है वी अश्योर द बेस्ट प्राइस टू यू। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम लोग आ गए हैं ताथावड़े लोकेशन में विद लार्ज साइज कार्पेट एरियाज के फ्लैट्स लेके। इस प्रोजेक्ट में 2, 3 and 4 BHK के अपार्टमेंट्स है एंड इट इज ऑन द मेन डिकैथलॉन रोड। सो रोड टच ही प्रॉपर्टी होगी। 2.25 एकर्स में सिर्फ 2 टावर आ रहे हैं विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज। अगर कारपेट और प्राइस की बात करूँ तो अभी वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और जैसे ही आप देखोगे आपको भी भरोसा हो जाएगा कि एक्चुअली इट इज अ लार्ज साइज कारपेट एरिया। वेरी लिमिटेड कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है। 1 to 9 फ्लोर्स अभी लॉन्च करे हैं इन्होंने एंड इसमें अगर आपको आगे के ऊपर के फ्लोर्स चाहिए तो आपको 2 से 2.5 महीने रुकना पड़ेगा। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस, मेक श्योर यू आर कॉलिंग मी ASAP एंड ऑल्सो इस कोड को याद रखना ताकि आप जब मुझे बताओगे तो ये कोड बता देना। आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स एंड देर इज नो ब्रोकरेज इन्वॉल्व। सो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एंड वी अश्योर द बेस्ट प्राइस टू यू। कीपिंग ऑल द थिंग्स डाउन, लेट्स सी द सैम्पल फ्लैट फर्स्ट। ये है आपका ब्यूटीफुल सैंपल फ्लैट। ये बड़े कारपेट वाला 3 BHK है। सबसे पहले बाहर यहाँ पे है एक विजन का वीडियो डोर फोन एंड जैसे ही आप एंटर करोगे ये होगा आपका डोर विद अ डिजिटल लॉक जहाँ पे आप पासपोर्ट फिंगरप्रिंट एंड इसको कन्वेंशनली की से भी ओपन कर सकते हैं। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी जो है वो काफी अच्छी दी गई है। एक्चुअली अगर कोई वहाँ पे खड़ा होगा तो उनको अंदर का क्यों नहीं दिखा देगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस भी है। आप यहाँ पे इसको शुरैक के लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज एंड डेकोरेट भी कर सकते हो। कमिंग हियर, दिस इज योर मैग्निफिसेंट एल शेप लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे इतना बड़ा सोफा लगा हुआ है, एक लाउंज चेयर लगी हुई है, देयर इज इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। हमने टीवी यूनिट का स्पेस भी दिया हुआ है एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज ये अच्छी है कि यहाँ पे बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट भी है। बट बिफोर दैट लेट्स चेक आउट द डाइनिंग सेटअप। यहाँ पे भी 4 सीटर लगाया हुआ है बट यू कैन इजीली अकोमोडेट अ 6 सीटर डाइनिंग फॉर 3 BHK। 2 के लिए इतनी ही स्पेस होगी जितनी अभी यहाँ पर है एंड ऑल्सो 4 BHK में और ये बड़ी हो जाएगी। सेपरेट स्पेस दी हुई है बाप्पा के लिए, पूजा स्पेस एकदम अलग से दी हुई है जस्ट नेक्स्ट टू द डाइनिंग एरिया। अभी चलते हैं टूवर्ड्स द बैल्कनी, आपको मैं इसके बाद गेस्ट बेडरूम दिखाऊंगा। बैल्कनी में आते ही अगर देखेंगे तो ये 3-track यहाँ पे डोर यूज किया गया है। बिकॉज ऑफ दैट 1/3 इसका बस है जो क्लोज रह जाता है, बाकी तो यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे नीचे एंटीस्किड टाइलिंग्स दी हुई है, ये ऊपर से कवर्ड होगी एंड सामने टफन ग्लास की रेलिंग है। ऑल द फ्लैट्स आर ईस्ट वेस्ट फेसिंग, सबकी ओपनिंग ईस्ट वेस्ट की रहेगी एंड जो बैल्कनीज है वो इधर नॉर्थ या इधर साउथ उस तरफ होगी, जो आपका चॉइस होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज डेंसिटी बहुत लो है इस प्रोजेक्ट की तो इट इज लाइक फॉर अ सिलेक्ट फ्यू ओनली। दिस इज द गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में आते ही आप इसकी लग्जरी को फील कर सकते हैं, बहुत क्यूट सा इंटीरियर किया है बट लेट्स नॉट गेट अवे विद दैट बिकॉज इसका जो ओरिएंटेशन है वो काफी अच्छा है। सामने पूरा वार्डरोब आ जाता है, इस तरफ जो है पूरा बेड का प्लेसमेंट है, साइड में टेबल्स रखने की जगह है और यहाँ पर विंडो दी गई है। ये पूरी फ्लोर टू सीलिंग नहीं है, ऊपर का साइड यहाँ पे कॉन्क्रीट का है एंड इसी के ठीक साथ में यहाँ पे वॉशरूम है। यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम कोहलर की यहाँ पे फिटिंग्स यूज की गई है। इस स्पेसिफिक वॉशरूम में व्हाइट एंड गोल्डन कलर की यूज की गई है, दैट इज लाइक द CPN सैनिटरी फिटिंग्स और वहाँ पे वो विंडो है ताकि आप AC का आउटडोर यूनिट जो है वहाँ पे लगा सकते हो। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द किचन। किचन में चलते ही ये वाला जो पार्ट है ये इंटीरियर्स का पार्ट है, सो इट वुड बी लाइक एन ओपन किचन। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। इस तरफ है आपके पूरे अप्लायंसेस का स्पेस। किचन स्टार्ट होता है यहाँ से इन एन एल शेप और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इंजीनियर स्टोन यूज किया गया है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये स्टोन है। एक ही सिंक दिया है पर बड़ा दिया हुआ है सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट नाइसली एंड इसका जो ड्राई एरिया है वो इंक्लूडेड होने की वजह से इस तरफ आपका वॉशिंग मशीन आ जाता है, इस तरफ आपका डिशवॉशर आ जाता है एंड इस तरफ आपको स्पेस मिल जाती है रेफ्रिजरेटर के लिए। तो जब आप इंटीरियर कराओगे आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, यू कैन जस्ट प्रिजर्व योर क्रॉकरीज और जो भी आप आर्टिफैक्ट्स लेके आते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है इसका कॉमन एरिया। नो स्पेस वेस्टेज, बड़ा कारपेट होने के बावजूद भी तो यूटिलाइजेशन काफी अच्छा है। इस तरफ है कॉमन वॉशरूम, यहाँ पर क्रोम फिटिंग्स यूज की गई है विद अगेन विद द शेड ऑफ वाइट इन सिटी सैनिटरी फिटिंग्स, कोलर द सेम ब्रांड। और इसी के ठीक सामने होगा किड्स बेडरूम, वन ऑफ द बिगेस्ट किड्स बेडरूम का साइज जो आप मार्केट में भी देखोगे, प्रॉपरली वेल ओरिएंटेड अगेन। इस तरफ वार्डरोब, सामने की तरफ यहाँ पे बेड है और यहाँ पे स्टडी टेबल का स्पेस आने वाला है और ये होगी विंडो। सो हाफ साइड ऑफ दिस यहाँ पे वॉल इन्होंने जानबूझ के रखी है कि आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो किसी कबर्ड के साथ, वार्डरोब के साथ, अपने हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। विंडो आ जाती तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ सी, नो स्पेस वेस्टेज, डायरेक्टली आ जाएंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में आते ही वन थिंग आपको अभी लग रहा होगा कि दिख नहीं रही है, दैट इज द कबर्ड। क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज यहाँ पे पूरा जो स्पेस है ये मास्टर बेडरूम का
ये दे दिया है फॉर मास्टर बेडरूम एंड द लॉन चेयर। अगर आप ऑफिस का काम भी करते हो तो यू कैन डू योर वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो ये वाला स्पेस इधर दे दिया तो वार्डरोब जाता है सीधा इस तरफ। तो ये वाली स्पेस जो है आपकी पूरी वॉकिंग क्लोजेट जैसे यूज हो जाती है, इस तरफ से लेके इस तरफ तक। आप ऐसा सेम डिजाइन कर सकते हो, दिस इज द वॉकिंग क्लोजेट, यहाँ पे ड्रेसर स्पेस दे दिया गया है तो आप वैसे ही इसको डिजाइन कर सकते हो। एंड अगेन वेरी प्रीमियम फिटिंग्स, यहाँ पर भी कॉलर की गोल्ड सीरीज यूज की गई है, अगेन विद द शेड्स ऑफ वाइट। एंड यहाँ की टाइलिंग तो अलग ही प्यारी लग रही है। इसी के साथ साथ लेट्स गो टुवर्ड्स द बैल्कनी। 3 BHK और 2 BHK में दो बैल्कनीज होंगी। तो ये जो सेकंड बैल्कनी है इज मोर लाइक अ स्टैंडिंग और जूलियट बैल्कनी विल से। यहाँ पे आप अच्छे से खड़े रह के यू कैन हैव योर प्राइवेट टाइम। 3 BHK हैज 2 कार पार्किंग्स, 2 BHK हैज 1 एंड 4 BHK हैज 2 कार पार्किंग्स। अगेन वेरी लिमिटेड, बस 1st to 9th फ्लोर अभी लॉन्च किया है। इसके बाद अगर आप लेना भी चाहते हो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सैंक्शन आने में टाइम लगने वाला है। इफ़ यू लाइक दिस प्रोजेक्ट मेक श्योर आप ये जो कोड मैंने दिया था उस कोड को बता के मुझे टेक्स्ट या कॉल कर रहे हो, सो दैट आई विल गिव यू द डिटेल्स। ऑल्सो दिस इज ब्रोकरेज फ्री तो आप विजिट भी कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू विजिट काइंडली गिव मी अ कॉल और टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। बहुत मेहनत करते हैं आप अगर हमारा और यू नो सब्सक्राइबर ये करोगे तो हमें और हिम्मत मिलती है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।